हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि वर्गमूल निकालना। किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, वह भी कुछ ही सेकेंडों में। तो ऐसा कैसे संभव है कि हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कुछ सेकेंड में निकाल सकते हैं? तो आज की क्लास में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें और कम समय में निकालें। हम लोग जैसा जानते हैं, अगर आपसे पूछे कि बताइए 10 और 24 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बहुत जल्द बता देते हैं इसका तो पता है 32 होगा, आपको पता है। अगर आपसे पूछे कि 625 का कितना होगा, तो आप बता देते हैं इसका तो 25 होगा। अगर आपसे पूछे कि चलिए 225 का क्या होगा, तभी आप बता देते हैं इसका तो 45 होगा। लेकिन आपसे पूछे कि चलिए आप रूट 5 का कितना होगा, तब आप बता सकते हैं, आप बता देते हैं कि नहीं इसका 2.25 होगा। अगर आपसे पूछ दे कि रूट 6 का कितना होगा, तब आप बता देते हैं 2.5 होगा। इसी तरह आप जो है, आपसे पूछे कि चलिए आप रूट 11 का बताइए, चलिए आप बताइए रूट 11 का कितना होगा, तब आप बता देते हैं कि हाँ इसका भी हम लोग जानते हैं 3.3 होगा। लेकिन आपसे पूछे बताइए कि रूट 15 का कितना होगा, तब आप बताना मुश्किल हो जाता है कि हाँ इसका तो कुछ हार्ड होने वाला है, रूट 15 का कितना होगा। तो चलिए एक ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं रूट 15 का भी, रूट 18 का भी, रूट 20 का, किसी भी नंबर का आप चंद सेकेंड में कैसे बता सकते हैं उसका स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। आइए चले सीखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, जैसे मान लेते हैं एक संख्या आप ले लीजिए, आप 20 ले लीजिए, एक संख्या आप कितना लीजिए 20 ले लीजिए। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना हो, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो, तब आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या कीजिए कि 20 से आगे और पीछे एक ऐसी नंबर को आप ढूंढिए, खोजिए, जिसका स्क्वायर रूट पूर्ण रूप से निकल जाता हो। वह कौन सी नंबर होगी? वह 25 होगी, नहीं तो 16 होगी। दो ऐसे नंबर है जो दोनों के बीच में 20 है। क्लियर हो गया? 20 के आगे और पीछे एक ऐसे नंबर को खोजना है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से कंप्लीटली निकलता हो, और वह नंबर कौन है? 16, 15, नहीं तो 25। अब आपको किसी एक नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर हो गया? किसी भी एक नंबर को चुन लेना है। आप अगर 16 चुनते हैं तो क्या लिखेंगे? 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। अगर आप 25 चुनते हैं तब आप क्या लिखते हैं? 25 माइनस 5 20 हो जाएगा। किसी भी नंबर को आप चुन सकते हैं। चलिए आपने चुना एक नंबर, वह है 25। आपने क्या नंबर चुना? 25 चुना। अब 25, 25 माइनस 5 चुन लिया। अब क्या करेंगे आप इसका? 25 माइनस 5 क्या आपने लिख दिया? 20 लिख दिया, 20 लिख दिया। अब उसका
25 को 5 लिखेंगे इसका वर्गमूल होगा, ये जो 5 है यहाँ माइनस है माइनस कर देंगे, 5 है ये 5 है ना 5, तो 5 लिख देंगे ऊपर और नीचे जो है 2 इंटू 5 कर देंगे, जो आपने इस जगह पर लिखा है उसी को इस जगह पर लिखना है, ध्यान रहे जो इस जगह पर 5 लिखा है उसी जगह पर इसको भी लिखना है, तो 5 कट गया, 5 कट गया, बच गया 5 माइनस 1/2, अब कितना हो गया 10 माइनस 1/2 यानी कि 9/2, 9/2 मतलब 4.5, बस बहुत ही आसानी से बन गया। चलिए इसको एक फॉर्मूला के द्वारा हम लोग देखते हैं इसे आसानी से कैसे बन जाता है। अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला तैयार करेंगे, वह है अंडर रूट x प्लस माइनस बाई इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस माइनस बाई 2 अंडर रूट x। चलिए इसी फॉर्मूला पर हम लोग और भी वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं, एक फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूले के सहारे हम बहुत कम समय में किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलिए अगर आपसे पूछे कि चलिए 11 बता दीजिए, 11 नंबर का हमको स्क्वायर रूट चाहिए, तो आपने 11 को वर्गमूल निकालना, 11 का वर्गमूल निकालना है तो सीधे आप क्या कीजिए, 11 से छोटा या बड़ा कोई ऐसा नंबर बता दीजिए जिसका वर्गमूल आप जानते हो, आसानी से निकल जाए। तो उसके लिए आप अगर 9 लेते हैं तो 9+2 11 लेना पड़ेगा, 9+2 लेना पड़ेगा 11 यानी कि 9+2 यानी कि 9 जो है इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है। क्लियर हो गया, 9 का निकलेगा। अच्छा तो x के स्थान पर क्या हो गया 9 हो गया और y के स्थान पर क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर हो गया, फिर से एक बार देखिए, x के स्थान पर 9 y 9 है और y के स्थान पर 2 है 2 है। क्लियर हो गया, आप क्या करेंगे, अंडर रूट x के स्थान पर कितना था 9 प्लस यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस लिखते, यहाँ पर प्लस है। y कितना है 2 और 2 इंटू अंडर रूट x कितना है 9, x के स्थान पर कितना है 9। चलिए अब क्या होता है, 9 का क्या होगा वर्गमूल 3 प्लस 2/2 ये कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 3। अब एक कट गया, कट गया कितना बचा 3 प्लस 1/3 कितना हो गया 9 और अरे 3/3 कितना होगा 3.3। तो बहुत ही कम समय में आपने रूट 11 का 11 का वर्गमूल निकालना सीख लिया। इसी तरह आप 12 का रूट 12 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसी तरह आप रूट 13 का निकाल सकते हैं, 14 का निकाल सकते हैं, 15 का निकाल सकते हैं, 17 का निकाल सकते हैं, 18 का निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का, छोटे छोटे नंबर का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। जैसे आपको निकालना हो 12, एक और देख लेते हैं, 12 को निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, 12 लिखेंगे और 12 से पीछे और आगे ऐसे कोई एक नंबर देखेंगे जो जस्ट पीछे हो या जस्ट आगे हो जिसका वर्गमूल आप जानते हैं,
वह क्या हो, इसका नौ ले लेते हैं, नाइन ले लेते हैं, और इसमें तीन जोड़ने पर बारह आता है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, नौ का इस फॉर्मूले पर बिठाएंगे अंडर रूट एक्स है, तो एक्स की जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर है, अरे वाई के स्थान पर नौ है, तो नौ लिखेंगे, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस दोनों है, यहाँ तो हमने प्लस लिया तो प्लस लेंगे। अब वाई के स्थान पर कितना है, तीन, थ्री, अब टू और रूट नाइन, एक्स के स्थान पर क्या है, नाइन है, तो नाइन ले दिए। अब क्या करेंगे, नाइन का क्या होगा, वर्गमूल स्क्वायर रूट थ्री होगा, और ये थ्री टू इंटू ये होगा थ्री, नौ का वर्गमूल तीन होगा, तीन से तीन कैंसिल हो गया, क्या बचा, तीन प्लस एक बटा दो, अभी कितना हो गया, ये हो गया छः, हो गया छः एक सात, सात बटा दो। अब सात बटा दो कितना होगा, 3.5। तो बहुत इजी तरीके से आपने निकाल लिया रूट 12 का वर्गमूल। ये तो छोटा नंबर था तब ना, अगर आप कहेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा नंबर है तब उसका वर्गमूल कैसे निकालें। चलिए उसका भी समस्या आज समाधान कर देते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। कैसे हम बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट एक सेकेंड से कुछ ही सेकेंड के अंदर सीख जाएंगे, और उसको बहुत कम समय में बनाना ये भी सीखेंगे। तो चलिए अभी आपसे पूछे कि 1089 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कर दे तो क्या होगा, इसका कर दे तो क्या होगा, इसका कर दे, ये सभी का स्क्वायर रूट कर दे तो क्या होगा, 1089 का क्या होगा, आप बताइएगा। अरे ये तो बहुत आसान है, 33। बोल गए अच्छा तब तो ठीक है, अच्छा इसको बताइए, तब कैसे बताएंगे आप इसको, जो है देखा इसे आसान है, 35। अच्छा इसका भी बता दिए, अगर आपसे पूछे ठीक है इसका 1521 का क्या होगा, बोल गया अच्छा चलिए इसको भी बता देते हैं। चलिए इसका 39। अच्छा तब तो तेज है आप, इसका भी बता दिए, इसका भी बता दिए, इसका भी बता दिए, अच्छा इसको बता दिए, इसको बता दीजिए, इसको बता दीजिए, इसका बता दीजिए, तब क्या होगा, तब तो आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि इसका क्या होगा। अगर बोले कि हाँ ये सबका भी आप कुछ ही सेकेंड में बता सकते हैं, जैसे आपको नंबर एक है सबसे बड़ा नंबर एक कितना है, 34, 5, 9, 6, अब इसका कितना होगा, अगर आप बता देंगे चलिए इसको भी बता देते हैं, चलिए 186, 186 होगा, वाह तब तो आप इसका भी बता दिए। तो इसको हम कैसे कम समय में जान पाए, चलिए इसको सीखते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे हम कम समय में ये सभी का स्क्वायर रूट निकाल पाए। आइए सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कैसे निकालें, इसे भी देख लेते हैं कैसे निकालें, सभी को वन बाय वन बारी बारी से देख लेते हैं। अगर आपके पास ये नंबर है 10, 8, 9, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 10, 8, 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 1 का स्क्वायर तो जानते हैं कि 1 होता है,
टू का स्क्वायर जानते हैं फोर होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है, फाइव का स्क्वायर 25 होता है, सिक्स का स्क्वायर 36 होता है, इसी तरह सेवन का स्क्वायर 49, एट का स्क्वायर 64, नाइन का स्क्वायर 81। इतना तक आपको याद करने की जरूरत है। याद क्या करना है, ये तो ऐसे ही याद होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये तो ऐसे ही याद रहता है सभी को। चलिए याद है, अब इसमें देखना है इसका लास्ट नंबर। इसको पहले पेयर लगा दिए, जोड़े में लगा दिए, कितना है 8, 9, लास्ट नंबर कितना है 9 है। इसमें इसका लास्ट नंबर 9 है, तो आपको पता चलेगा कि एक ए है, थ्री है, और एक है, सेवन है, इसका 49 होता है, इसका 9 होता है, तो लास्ट में इसका 9 है और लास्ट में इसका 9 है। आप देखेंगे 9 है तो किसका, एक 3 का, और दूसरा किसका है 7 का। ध्यान से देखना, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49, इसमें भी 9 आता है, इसमें भी 9 आता है, तो 9 इसका है, तो 3 का भी 9 आया और 7 का भी अंत में 9 आया लास्ट में। अब क्या, अब इसे देख लेते हैं। अब इसे जो है देखते हैं कि ए कितना है 10 है, तो कौन सा नंबर और 10 तक स्क्वायर करें, इसका कौन सा नंबर स्क्वायर करें ऐसा कि जो 10 से कम हो, वह है 3। 3 का स्क्वायर 10 से कम होता है तो 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 10 से कम होता है तो 3। क्या क्लियर हो गया? आप 3 तो लिख दिए, इसके बाद 3 लिखें कि 7 लिखें, कंफ्यूजन है। देखेंगे ये जो 9 जो आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, ये 10 से और फिर एक बात और ध्यान देना है कि 9 है, 10 है, एक और नंबर लेना है जो 10 से ऊपर हो, इसका भी स्क्वायर निकल जाए ऊपर हो, तो 16 होगा। 9 और 16 के बीच में 10 है, इसका हमें निकालना है, तो 9 ये कंप्लीट स्क्वायर है और 16 भी कंप्लीट स्क्वायर है, पूर्ण से इसका स्क्वायर निकल जाएगा। अब ये देखेंगे कि 10 किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है कि 16 के नजदीक है, किसके नजदीक है, तो 9 के नजदीक है, यानी कि पीछे वाला के नजदीक है, पीछे वाला के नजदीक है, आगे वाला के नहीं, तो हम पीछे वाला के लेंगे, यानी ये 3 और 7 में पीछे पहले 3 आता है और बाद में 7 आता है, तो पहले हम 3 वाला को लेंगे, यानी कि 33 हो गया। अभी तक आप लोग समझ में नहीं आई होगी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यह 1225, इसका अगर निकालना हो वर्गमूल स्क्वायर रूट तो क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 है तो ये तो सिंगल है और किसी में 5 तो दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ नहीं है 25 में 5 है, चलिए सिंगल है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। अब ये तो जोड़ा हो गया, 5 है। आप क्या करेंगे, ये 12 जो है इससे छोटा स्क्वायर कौन है, इससे छोटा स्क्वायर है 9, 12 से छोटा है, 3 का स्क्वायर है 9, 12 से छोटा है, तो सीधे क्या करेंगे हम 3 ले लेंगे और 35 हो जाएगा, बहुत इजी वे में। जब भी आपको 5 नजर आए लास्ट में तो सिंगल ही आएगा और इसका बहुत आसान होगा निकालना, जैसे अभी है 25 है तो 5 ले लिए और 12 है तो 12 से नजदीक जो है कौन सा नंबर है जिसका पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट निकलेगा, तो 9 है, 9 का 3 होता है 35। इसी तरह अगर देखा जाए
इसका 225 का तो स्क्वायर रूट निकालना है तो सीधे 5 लेंगे और क्या होगा इसमें, ये तो पेयर में है, चलिए 20 का तो 20 से पहले कौन सा नंबर है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा पूर्ण रूप से, तो वह 16 और 16 और 16 के क्या होता है वर्गमूल 4, तो 4 × 4 = 5 45 सीधे निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देख ले, 20 से छोटा कौन सा नंबर है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो 16 है, 16 के क्या होता है 4 × 5 = 45 क्लियर हो गया। उसी तरह अगर जो है इस नंबर को ले लें 2116 का स्क्वायर रूट, 2116 का स्क्वायर रूट क्या होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। 6 है, 6 देखिए लास्ट में इसका कितना है 6 है, पहले क्लियर बना लेते हैं, चलिए 6 है, 6 इसमें किसका है, एक है 4 का स्क्वायर और एक है 6 का स्क्वायर, इसका 36 और इसका 16, तो क्या लेंगे 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, चलिए ताकि इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, दोनों में 4 का स्क्वायर भी 16 है यानी कि 16, 6 का स्क्वायर भी 36 यानी कि इसमें भी 6 है। आप क्या करते हैं 21 बच है, 21 से पहले कौन सा नंबर है जिसका वर्गमूल निकल जाए पूर्ण रूप से, तो कौन होगा वह नंबर होगा आपका 16 और 16 के वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 ले लिए, क्लियर हो गया। अब देखेंगे जो 21 जो नंबर है ये 21 से पहले कौन सा नंबर है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा, वह 16 है, और 21 के बाद कौन सा नंबर है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा, वह 25 है, वह क्या है 25 है। तो बताइए ये 21 किसके नजदीक है, 16 के कि 25 के, किसके नजदीक आ रहा है, यहाँ पर ये कितने डिस्टेंस पर है 5 है, 16 5 21 आए कितने डिस्टेंस पर है 4 है, 21 और 4 25, तो 25 के नजदीक है, किसके नजदीक है 25 के नजदीक है, तो इसलिए हम जो है इसको आगे बढ़ा के लेंगे, ये आगे है इसको पीछे, इसको आगे है इसको पीछे, तो हम किसको लेंगे आगे वाला लेंगे यानी कि 46 होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अब अगर आपसे पूछे कि चलिए इसको बता दीजिए 3481 का स्क्वायर रूट, 3481 का स्क्वायर रूट क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं 3481 का, क्लियर हो गया। तो वन है लास्ट में, इसको पेयर किए तो वन है लास्ट में, तो वन तीन टेन के लास्ट में, एक का स्क्वायर वन होता है और 9 का स्क्वायर 81 इसका भी 1 है, तो इसे होगा आपका 1 और 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 इसमें भी 1 है और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इसमें भी 1 है, तो 1 और 9 ये हो गया पहले और बाद में। अब इसके बाद कितना आता है 34 है, तो 34 से पहले कौन सा नंबर है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा, तो वह क्या है 25, तो 25 का क्या होगा 5, 25 है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा वह उसका क्या होगा 5, तो अब देखेंगे 34 25 से पहले 25 के नजदीक है या इसके 36 के नजदीक है, किसके नजदीक है ए, इसके 34 किसके नजदीक है 25 के या 36
सिक्स के, तो अभी जो है पता चलेगा कि 34 25 से कितना दूर पर है, ये 5 और 4 9 की दूरी पर है, और ये 34 इससे कितना कम पर है, 2 पर है, यानी कि 2 कम पर है, तो नजदीक इससे हुआ 36 से नजदीक हो गए, तो इसको बल आगे वाला करेंगे, यानी कि इसको भी लेंगे, पीछे वाला को लेते तब 1 को लेते तो कितना होगा 59 बस। तो इस तरह हम लोग देख लेते हैं, अगर इसकी बात करें, चलिए ये बड़ा वाला नंबर का भी एक सीख लेते हैं कैसे होगा। चलिए तो चलिए आप सीखते हैं इस बड़े नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ये बड़ा नंबर दिख रहा है, इसे भी हम चंद सेकंड में निकालेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, सिक्स है, पहले क्लियर करते हैं, जोड़ा कर देते हैं, तो सिक्स है। सिक्स किसमें आता है, सिक्स आता है आपका फोर का स्क्वायर में, सिक्स आता है सिक्सटीन, सिक्स का स्क्वायर में 36, इसमें भी सिक्स आता है, तो कौन सा नंबर होगा, एक ले लेंगे फोर, एक ले लेंगे फोर और एक सिक्स लेंगे, एक फोर लेंगे और एक सिक्स, क्यों, क्योंकि फोर का स्क्वायर करते हैं तब 16 आता है, सिक्स आता है लास्ट में, सिक्स का स्क्वायर करते हैं तब 36 आता है, सिक्स लास्ट में, तो क्या लेंगे फोर और सिक्स, फोर पहले है और सिक्स बाद में, ये पहले पहले और एक बाद में। चलिए देखते हैं, अब आपके पास क्या नंबर बच गया, 345 ये नंबर बचा। अब इस नंबर को देखते हैं, इसमें सभी का देखते हैं, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36 7 स्क्वायर 49 8 स्क्वायर 64 9 स्क्वायर 81 10 स्क्वायर 111 12 स्क्वायर 144 और 3 स्क्वायर 169। इसी तरह 14 स्क्वायर 196 15 स्क्वायर 225 16 स्क्वायर 256 17 स्क्वायर 289 18 स्क्वायर 324 और 19 स्क्वायर 361 इतना है। तो इसमें इससे छोटा कौन सी नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं, आपकी कौन सा नंबर है 324 जो इससे छोटा है, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। चलिए तब इसको क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 18 होगा। अब देखना है कि 18 तो हो गया, लेकिन इसमें 4 आएगा कि 6 आएगा, 4 आएगा कि 6 आएगा, अब देखना है 345 में 324 345 और उससे आगे कौन है 361 किसके नजदीक है, 324 के नजदीक है कि 361 के नजदीक है, ध्यान से देखना है ये किसके नजदीक है। अगर आप देखेंगे तो यह जो है 24 हो गया, 24 और 45 कितना का डिफरेंस है आपका, 6 और 10 16 और 5 21 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है 15 अरे 16 का डिफरेंस है, यानी कि इसके नजदीक है आगे वाला के नजदीक है, किसके नजदीक है आगे वाला के, तो आगे यानी कि बाद वाला, तो बाद वाला कितना है 6, तो कितना होगा 186। तो देखिए हम बड़ी से बड़ी संख्या को बहुत इजी वे में और कम समय में उसका स्क्वायर रूट निकालना सीख गए। हम अब नेक्स्ट क्लास में इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना सीखेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।